प्रणाम भोजपुरिया जहान, प्लेनेट भोजपुरी में राउर स्वागत बा। भोजपुरी दुनिया से जुड़ल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा। लोग बहुत ही उम्दा लोकेशंस, उम्दा ड्रेसेस, मतलब ये कहा जाता है कि चंद बातें ही बता देते हैं कि उसका मतलब वो उसका कैनवास कितना बड़ा होगा। फिल्म भोजपुरी की मतलब मिट्टी को खुशबू बिखर रही है, ऐसा मुझे लगा इसमें देखकर। जी, दूसरी फिल्म की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अब एक तो फिल्म एक तिरंगा टाइटल हमें मिला था, उस पर हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन उस फिल्म को पवन जी के साथ करना था, तो थोड़ा सा डेट्स वगैरह को लेकर हम लोग थोड़ा उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग फिर से पारिवारिक फिल्म की एक तैयारी कर रहा हूँ। क्या उस फिल्म में भी खेसारी जी होंगे? जी, दूसरी फिल्म में खेसारी जी से ऑलमोस्ट बात हो रही है। जी जी, देखने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन जहाँ तक उसके बारे में मुझे सुनने में आया कि दोनों फिल्में दो मतलब दो जोन में बनी हैं, एक फुली इंटरटेनमेंट है और एक फुली एक्शन प्रधान है। मतलब जस्ट लाइक सिंघम लेवल पे एक फिल्म बनी है दबंग सरकार, और नागदेव एकदम फैंटेसी बनी है। मतलब पहली बार ग्राफिक्स में मतलब इतने बड़े लेवल पे खेसारी जी को दर्शक देख रहे हैं, वाकई में बिल्कुल अलग अनुभव होगा दर्शकों के लिए। देखिए, खेसारी जी के साथ जहाँ तक अनुभव की बात है, खेसारी जी के साथ काम के लेवल पे उनके साथ बहुत ही एक अच्छा अटैचमेंट रहा है। और आपके सवाल उठाने से पहले मैं बता दूं कि बीच में जो भी बातें आई थी मेरे रिलीजिंग पर, तो रिलीजिंग पे मुझे सिर्फ जो हमारा मतभेद था, वैचारिक मतभेद था, कि अगर प्रोड्यूसर अगर मेहनत करता है, अगर उसे क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर फिल्म में अगर प्रमोशन की वजह से कुछ ऐसा मतलब भोजपुरी की मेंटलिटी है कि दर्शक अगर हीरो आते हैं तो कुछ ना कुछ फिल्म पे प्रभाव पड़ता है। और खेसारी जी के साथ ऐसी बातें हुई थी, तो जब जब भी मैं गया तो हाँ, वो कहीं ना कहीं उसमें बिजी रहे। तो जब प्रोड्यूसर के ऊपर दबाव पड़ता है तो निश्चित तौर पे वो गुस्सा के रूप में फूट पड़ता है, और लोगों ने इसको बहुत ही मतलब अलग बनाया। यहाँ तक कि खेसारी के जो अपने आप को प्रशंसक कहते हैं, उन्होंने गाली गलौज भी किया। थोड़ा बहुत दुख हुआ इसलिए कि हमारे मतलब आज बता दूँ कि हम लोग वैसे समाज को का निर्माण करने में लगे हुए हैं, अपने आप को भी ध्यान नहीं देते हैं। जहाँ बच्चों को हम लोग गाली देना मतलब देने से मना करते हैं, और वहाँ गाली गलौज आदमी सुना तो और लगा। लेकिन जहाँ तक खेसारी जी की बात है, खेसारी जी को मैंने कहा था कि खेसारी जी अपने दम पे जो पहचान बनाई है वो एक प्रेरणा का स्रोत है। देखिए, झगड़ा की बात मैंने अभी कहा, अभी आप लोग सवाल उठाने से पहले मैंने कहा कि बात झगड़े की है। जी, मैं जहाँ तक बाइक के सवाल है, बता दें कि हमारी म्यूजिक कंपनी है लोटस म्यूजिक, तो लोटस म्यूजिक से गाने कुछ गाने हिट हुए थे, उस समय कमिटमेंट था कि एक गिफ्ट देना है। तो उसके बाद कुछ बातें बातों में बात आई कि भाई क्या हुआ, अभी तक आपका गिफ्ट नहीं आया, मजाक में। और जहाँ तक कमिटमेंट की बात है, आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि जिसको हमने कमिटमेंट किया है उसको हमने पूरा किया है। देखिए, जहाँ तक मीडिया वालों की बात है, अगर कमिटमेंट अगर आप करवा लें तो शायद मैं दे सकता हूँ, लेकिन अभी कमिटमेंट किया नहीं हूँ। ये आप बोल रहे हैं सर। खेसारी लाल यादव से जो कमिटमेंट हुई थी, जो गिफ्ट के तौर पे, तो वो एक हंसी मजाक का था, लेकिन कहा जाता है कि मजाक मजाक में भी कुछ चीज़ें सीरियस हो जाती। नहीं, जहाँ तक बात है कि बंगले की, और इसमें वो कोई गिफ्ट नहीं, वो तो दिल से दिया था, उन्होंने मांगा नहीं था, उन्होंने सिर्फ गिफ्ट की बातें कही थी और हमने जाके वहाँ पे दिया। आपके लिए हर हमेशा हम लोग खड़े हैं, आपको जो गिफ्ट चाहिए, आप शादी कीजिए तो आपको भी गिफ्ट दे देंगे। पल्सर नहीं, कुछ और शादी कर लिए उसको कर दीजिएगा। कुछ भी हो, आपस में कुछ भी बातें हो, लेकिन भाई भाई होता है। तो हम लोग एक गांव के सराउंडिंग्स में है, मतलब 4-5 किलोमीटर की दूरी पर सोनू का गाँव है और 4-5 किलोमीटर की दूरी पर खेसारी जी का गाँव है। तो छोटे भाई के तौर पर
उस गांव से मैं जानता हूं कि सोनू ने भी जो एक अपना एक मुकाम बनाया है, मतलब किसी के लिए मैनेजमेंट का काम करते हुए, मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि ऐसे ही अपने मतलब कर्म के बदौलत अपना एक पहचान बनाए, अपना नाम बनाए। ये तो बहुत मतलब अच्छी बात है। और जहाँ तक एक कहा जाता है कि मतलब एक बॉलीवुड के बादशाह कहे जाते हैं, अगर भोजपुरी गाने पे अगर थिरक रहे हैं तो ये भोजपुरी भाषा के लिए नहीं, भोजपुरी संगीत के लिए बहुत ही गौरव की बात है। ये बहुत जी मैं ये कहूँगा कि अभी जो भोजपुरी फिल्मों का जो एक मतलब दौड़ चल रहा है, उठा पटक चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आपस में मेकर्स को, दर्शक को और जो फिल्म के स्टार हैं उनको भी मिलके कुछ करना होगा। नहीं तो जैसे जैसे ये समय बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे गर्त में है, मतलब भोजपुरी फिल्मों की गर्त की ओर जा रही है, ये गलत बात है और शायद हम लोग इस पे आपस में कुछ सोचना होगा। प्लैनेट भोजपुरी।